उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित हवेली होटल में अमरोहा जनपद के डीएम बीके त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनपद अमरोहा के गजरौला स्थित हवेली में अमरोहा जनपद के डीएम बीके त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद व कई राज्यों से आए विभिन्न उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। साथ ही डीएम ने कहा कि हमने जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के निवेश सम्मेलन का आयोजन किया है, जहां उद्योगपतियों को बताया गया कि अमरोहा जिले में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा और प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएँ मुकम्मल मिलेंगी। देखिए, इन्वेस्टर समिट डे का आयोजन जनपद अमरोहा में ये किया गया है। अभी आपने देखा, ये गजरौला में हम लोगों ने इसको आयोजित किया है और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि दिल्ली के, नोएडा के, गाज़ियाबाद के भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसका उद्देश्य है कि कैसे इन्वेस्टमेंट अमरोहा में बढ़ाया जाए। अमरोहा की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे एक तो NH जा रहा है, प्लस गंगा एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे आपका निर्माणाधीन है। और ये NCR के बाद जो बॉर्डर का सबसे निकटस्थ हमारा जो ज़िला है वो आता है, तो कनेक्टिविटी को लेके बहुत ही अच्छी यहाँ संभावनाएं हैं। और ऑलरेडी जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही हैं उनका भी रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा है। इसको देख करके बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स, उन्होंने यहाँ पर रुचि दिखाई है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 38 इन्वेस्टर्स जो कि 2,250 करोड़ इन्वेस्ट करने का उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। और इसके बाद अभी भी लगातार लोग कांटेक्ट में हैं। जो हमारा इसके लिए पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पे लगातार लोग अपना दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट अमरोहा में बहुत अच्छा होगा। हमारा टारगेट 750 करोड़ का इस समय है, जो पहले 500 करोड़ था, उसके सापेक्ष हम लोगों ने 2,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव अभी तक हमने प्राप्त कर लिया है और हमें और बढ़ाने की उम्मीद इसमें है। तो इसीलिए यह एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया था। आप जानते हैं कि एक लखनऊ में समिट जो हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग उद्यम प्रदेश बनाएं, इसके दिशा में कार्य चल रहा है। और विदेशों में भी रोड शो आयोजित किए गए हैं, अपने देश में भी बड़े बड़े शहरों में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं उद्यम लाने के लिए। तो इसी के दिशा में बढ़ाने में एक हमारा एक कदम यहाँ भी है, अपने जनपद में भी है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।